ताला फरमा रहा है कि वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, बेहिसाब जो है ना अल्लाह हमको रिज़्क़ देने वाला है, दौलत देने वाला है, रिज़्क़ जो है ना, रिज़्क़ की भीख मांगते बैठना ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान उसके कदमों से सिपा ताज शरीर आते हैं, हाथ होता है सदा उसका छत्रपति के सर पर। मुसलमान जो है बादशाहतों को बांटने वाला है, बादशाह की भीख मांगने वाला मुसलमान नहीं होता, दौलत की भीख मांगने वाला, हुकूमत की भीख मांगने वाला ये मुसलमान मुसलमान की शान नहीं है। इसलिए सहाबा इकराम जब बादशाहों के पास जाते थे, ईरान के बादशाह के पास गए, तो हुकूमत की भीख नहीं मांगे, बल्कि ये कहे कि हम तेरी हुकूमत को छीनने के लिए नहीं आए, बल्कि तुझे ईमान से नवाजने के लिए आए हैं। तो इस्लाम कबूल कर ले, तू ही जो है ना यहाँ का हुक्मरान बनकर हुकूमत जो है ना हुकूमत संभाल ले, हमको हुकूमत की जरूरत नहीं है। इस्लाम हुकूमत हुक्मरानों को जो है बादशाह को छीनने नहीं आया, बल्कि बादशाहों को मुसलमान बनाने के लिए आया, बादशाहों को इस्लाम की ईमान की दौलत से नवाजने के लिए आया। तो आज जो है मुसलमान दौलत की भीख मांगते हुए, नौकरी की भीख मांगते हुए, बादशाह की भीख मांगते हुए, हुकूमत की भीख मांगते हुए बैठे हुए हैं, और असल जो काम है वो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जिस काम के लिए अल्लाह मुसलमानों को मुंतखब किया, वो कज़ालिक जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकुनु शुहदा अला नास व यकुन रसूल अलैकुम शहीदा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? आप हुकूमत हासिल करने के लिए आए थे, आप इस्लाम की दौलत बांटने के लिए आए थे, कुरान की दौलत को जो है ना बांटने के लिए आए थे, और इसके अवज में जो है जमीन और आसमान की दौलत आपके कदमों में अल्लाह ताला डाल दिया। आप हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं आए थे, आज सिर्फ जो है लोगों को ईमान से नवाजने के लिए आए थे। आपका ऐलान क्या था? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतली, मैं रहमत की दौलत लेकर आया हूँ, कुरान की दौलत लेके आया हूँ, इस्लाम की दौलत लेके आया हूँ। ये जो है ना जो हासिल करने वाला है उसको जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दौलत से नवाजे। तो ये मुसलमान का असल काम है। आज असल काम से हम मुंह मोड़ के दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। आज कितनी दौलत है मुसलमानों के पास? मुसलमानों से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत में नहीं है। पेट्रोल डॉलर जो है इतना सऊदी अरब के पास है कि सारी दुनिया की रफ्तार अगर है तो मुसलमानों के पेट्रोल से, और मुसलमानों के पास इतनी दौलत है। दौलत होने के बावजूद भी आज जो है ये काफिरों के शिकंजे में फंसे हुए, उनके जेर साया जी रहे हैं, और मेजोरिटी के एतबार से भी दुनिया के सबसे बड़ी जो ना आबादी मुसलमानों की है। और जो है हुकूमतें, इतने हुकूमतें हैं, लोग क्या समझते हैं अगर हमारे हाथ में हुकूमत आए तो हम जो है ना दुनिया के अंदर अपना दीन फैलाएंगे, या हम हुकूमत आए तो हम सुधारेंगे, हम मजलूम है, महकूम है, हम क्या कर सकते हैं, ये शिकवा। लेकिन आज मुसलमानों के 55-56 जो है ना ममालिक जो है वो मुसलमानों के हाथों में है। क्या करें? कुछ नहीं करें। क्यों? इसलिए कि हमारा जो नज़्मुल ऐन था, यानी सहाबा इकराम का जो काम था, फर्ज अव्वलीन जो पहला जो काम था वो क्या था? दावत इस्लाम, इस्लाम की इशारत, इस्लाम का पैगाम। ये पैगाम को छोड़ दिए और दौलत को, हुकूमत को, मेजोरिटी को पकड़ के बैठ गए। तो ना मेजोरिटी जो है ना मुसलमानों को कामयाबी दिला रही है, ना हुकूमत मुसलमानों को कामयाबी दिला रही है, और ना दौलत मुसलमानों को कामयाबी दिला रही है। तो कामयाबी सिर्फ जो है ना वो अल्लाह की जात में है, और कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को जो है मैदान अमल में उतरने की जरूरत है। और सहाबा इकराम मुख्तसर जो है ना तादाद में मैदान में उतरे और इस्लाम का नाम लेकर, दीन का नाम लेकर वो कामयाब होते गए। दीन की दौलत, ईमान की दौलत, मुसलमानों की शान किससे है? इल्मे कुरान से है। हिंदुस्तान में आकर यहाँ के क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी लोग जो है धर्म के ज्ञान का, हिंदुस्तान भी दुनिया में सबसे ज्यादा जो ना भक्ति में, ज्ञान में, और यह जो है यहाँ के संस्कार में, आस्था में सबसे बड़ी जो है ना यहाँ पर ताकत रखने वाला ये हिंदुस्तान था। लेकिन इस्लाम जब यहाँ पर आया तो बेधड़क लोग इस्लाम में दाखिल हुए, बेहिसाब लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। क्यों दाखिल हुए? तलवार से नहीं, लोग जो ना बदनाम करते इस्लाम, यहाँ पर जो ना तलवार से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाए, बादशाह के इस्लाम को फैलाए, बादशाह इस्लाम को नहीं फैलाए, बादशाह हुकूमतों को फैलाए। इस्लाम को फैलाने वाले सूफी है, इस्लाम को फैलाने वाले अवलिया बुजुर्गान दीन है, ये जो है इस्लाम की दौलत को लेकर है। और ये लोग लड़ने में भी बहुत बहादुर थे हिंदुस्तान के लोग, लेकिन जो है इस्लाम को गले क्यों लगाए? इसलिए कि इसके अंदर जो इंसाफ है, इस्लाम के अंदर जो मसावात है, जो रूहानियत है, वो देखकर लाखों की तादाद में, बल्कि आज करोड़ों की तादाद में इस्लाम में दाखिल हुए यहाँ के लोग। तो जो है यहाँ की भी जो सकाफत थी, हिंदुस्तान के अंदर की भी जो तहजीब थी, वो जो है यहाँ के हिमालय के पहाड़ या नदियों की वजह से, या जो है ना सब्जदार यानी यहाँ की हरी भरी फसलों की वजह से हिंदुस्तान का नाम ऊंचा नहीं था, बल्कि यहाँ के ज्ञान की वजह से और यहाँ के जो है ना भक्ति की वजह से। आप देखेंगे कि जो है सख्त सर्दियों में
वो लोग जो है स्नान करके देवी देवता को जो है ना पूजा पाठ करने के लिए, ऐसी भक्ति ऐसा ज्ञान हिंदुस्तान के अंदर था। लेकिन इस्लाम में यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा की जाने वाली इबादत वो नमाज है। तो ये जो है इस्लाम के अंदर जो है ये ऐसी रूहानी ताकत है जो सारे मजाहब को अपने जो है दामन में सिमटने वाली है। तो ये जो दौलत थी मुसलमानों के पास इल्मे कुरान की और जो है इस्लाम की और सदाकत की और शुजात की, ये दौलत को आज मुसलमान छोड़ दिए और सिर्फ जाहिरा दौलत के पीछे पड़े रहे। इसलिए हर मुल्क वाले डरा रहे, बल्कि जो है जो कमजोर कौमें थी जिनको कमजोर समझा जाता था वैसे लोग भी आज जो है मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं। क्यों क्यों डर रहे मुसलमान? इसलिए कि इनके पास वो जौहर नहीं है जो सहाबा-ए-किराम के अंदर था। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या नस्बत रूहानी है। हैदरी फक्र जो है वो नहीं हजरत अली करम अल्लाह वजू का जो फातह कैबर बने, वैसी जो है दौलत अगर आज भी अगर मुसलमानों के अंदर पैदा हो तो सारी दुनिया पे मुसलमान गालिब आ सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी दौलत क्या है? ये दुनियाई जागीर नहीं है, पैसा हुकूमत या जो है ना दुनिया की मेजोरिटी नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इल्म कुरान है, इशात इस्लाम है, दीन का इरफान है। अगर ये अगर हासिल करेंगे तो ये सारी जाहिरा दौलत भी मुसलमानों के खदमों पर जो है वो आकर गिरने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला सारी दुनिया मुसलमानों के कदमों पर जो है ना लुटाने के लिए तैयार है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाने के वल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, कोई काबिल तो हो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो हमारे अंदर वो शान पैदा करे, सहाबा इकराम की किरदार पैदा करे, सहाबा इकराम के औसाफ पैदा करे, तो जरूर जो है मुसलमान इस काबिल गफलत से उठ सकते हैं। और जो मुसलमानों की पस्ती है वो पस्ती का इलाज अगर है तो इशात इस्लाम में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तौहीद के जो है अलम को बुलंद करने में है। इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि शब गुरेजा होगी आकर जलवा खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, दौलत से हुकूमत से नहीं, नगमाए तौहीद। नगमाए तौहीद क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीद को, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए आप जो है ना घरों से बाहर निकलो, गो के तुम्हारे पास जो है ना दौलत ना रहे और कस्मा पुरसी रहे और जो है ना गुर्बत रहे, तो ये कोई जो है ना हमारे लिए रुकावट की बात नहीं है। हमारे लिए जो है ये रुकावट नहीं है कि हमारे अंदर गरीबी है, बल्कि गरीबों से ही दुनिया के अंदर दीन जो है ना गालिब आता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बदा इस्लाम गरीबन सैयद गरीबन कमा बदा, इस्लाम की इब्तदा गरीबों से हुई है और इसका यादा भी गरीबों से होगा। यानी गरीब के पास क्या है? ईमान की दौलत है, इंसाफ की दौलत है, अदल की दौलत है, रूहानियत की दौलत है। तो ये दौलत को अगर लेके मुसलमान उठेंगे तो वो सारी दुनिया में गालिब आ सकते हैं। ये मालो दौलत दुनिया ये